नमस्कार सर, वेलकम बैक टू आर फिश फार्मिंग कोर्स जो हम गाँव वालों के साथ कर रहे थे सर। और सर आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हुई और गाँव वालों ने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन किया और बहुत ही एंथुजियाज्म दिखाया, हमें थैंक बड़ा यू। अच्छा लगा सर। इसी दौरान कुछ क्वेश्चन आए थे सर गाँव वालों के, तो हम चाह रहे थे कि उनके सवाल जवाब आपसे ले सके सर। अब ओके बैक टू यू सर। या तो कंटिन्यू सर प्लीज। पहला सवाल हम ले पहला सवाल सर हम ईश्वर दत्त जोशी जी का लेंगे। जी उन्होंने कहा है सर कि 6 महीने पहले बारिश के बाद टैंक का जी पानी गंदा हो गया था, जी टैंक में वाटर सप्लाई पाइप से होती है वो भी टूट गया था। अगले या दिन 40-45 बड़ी मछलियां मर गई, कारण जी समझ में नहीं आ रहा, इसके बारे में सर थोड़ा प्लीज आप बताएंगे। देखिए, जो हम फिश फार्मिंग करते हैं ना, और ये जो मछली बता रहे हैं ग्रास कार्प, इसको थोड़ा ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत रहती है। 5 से 6 PPM ऑक्सीजन तालाब में रहना चाहिए। प्राय ऐसा होता है, जैसे हम किसानों को भी वो देते हैं, हमेशा एक एडवाइजरी देते हैं कि जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है, दी फर्स्ट रेन, जब पहली बरसात होती है, तो आप थोड़ा तैयार रहिए। क्योंकि होता क्या है, जब पहली बरसात होती है तो उसके साथ बहुत सारी गंदगी तालाब में एंटर करती है, और ये जब उसमें बहुत सारा सेडिमेंट सस्पेंडेड, हम उसको बोलते हैं सस्पेंडेड सेडिमेंट, कोलाइडल पार्टिकल्स जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं गिल में, तो गिल उसका एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है मछली का। तो होता क्या है, जब वो गंदा पानी जी आने से, अगर बहुत ज्यादा उसका गंदा ज्यादा है, तो उसके गिल में क्लॉगिंग हो जाती है। क्लॉगिंग होने से ये होता जी है कि वो उनका सांस लेना बंद हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है, थोड़ा थोड़ा अगर कोई ऐसी चीजें आई, जैसे ह्यूमस ज्यादा आ गया, तो pH भी कम हो जाता है पानी का। तो ये दो तीन जी कारणों से ये एक बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेंड है कि मोर्टेलिटी होती है। तो हमारा ये कहना है कि जब भी अगर ऐसा कहीं कभी हो, बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, या आपको ये संभावना है कि पानी कहीं से गंदा आ रहा है, और वो आपका कोई और अल्टरनेट स्रोत है, थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर दीजिए, जो आपका पंप पाइप है या कोई और चीज है, फॉर टाइम बींग, सपोज 3 घंटे 4 घंटे में। तो पहाड़ में ऐसा होता है, बहुत तेज बारिश आई, पानी आया, फिर चला गया, है ना। तो ये ढंग से, और इसका मरने का, और यही एक कारण हो सकता है। राइट सर, तो जी आइडिया वही है कि गंदे पानी को आने ना दें, वही आपने बताया था, क्योंकि उसी से फिर उनकी रेस्पिरेशन गिल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये दूसरा शायद बोल सवाल रहे है, थे कि, सॉरी हाँ, प्लीज ये बोलिए बोल रहे जी थे शायद प्लीज बरसात का बताइए। पानी आया था ना, समथिंग ऐसा। जी 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 हाँ ठीक, वही है। जी राइट सर, थैंक यू। हम दूसरे सवाल पे आ जाते हैं सर। अब एक भालती जी का सवाल है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी में कैल्शियम बहुत है, क्या यह जी, फिश फार्मिंग हो सकती है इस पानी में? इनका तालाब कहाँ है, कौन सी जगहों में बोल रहे हैं? सर मालती जी का तालाब मुझे पता करना पड़ेगा सर, मैं इनसे इन्फॉर्मेशन ठीक ले है ठीक है लूंगा ठीक है। बाद मैं में, आपको एक चीज बता देता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज ये बताता हूँ कि प्राय जो होता है ना, जो हम बोलते हैं कि जो हमारे फिश पॉन्ड्स हैं, उसमें ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन राइट उन्होंने ये राइट लिखा कि ज्यादा है कैल्शियम। मेरे पास एक, मैं आपको एक भेज दूंगा कि कितना होना चाहिए, ये टोटल, उसको हम बोलते हैं जैसे कंडक्टिविटी, एक मान के चल लीजिए, कंडक्टिविटी बोलते जी हैं जी उसको। एक छोटी जी सी मशीन में हम उसको देखते हैं, तो वो बोलते हैं अगर तालाब में 300 400 भी है माइक्रो मोज पर सेकेंड, तो वो ठीक है। लेकिन इनको भी बोलिए कि अगर कैल्शियम कितना है, उन्होंने टेस्ट किया, हो सकता है ज्यादा ऐसा कैल्शियम के हमारे इसमें ज्यादा, और पानी का पीएच कितना है, पानी का पीएच, क्योंकि अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तो संभावना ये होती है कि पीएच भी बढ़ेगा, 9 10 रहेगा, जो उसका जो बोलते हैं ना जी हम, जी अम्लीय जी है या क्षारीय है, बिल्कुल तो ये सब चीजें राइट कोरिलेटेड है। राइट लेकिन अगर वो बताएंगे एक बार, अगर वाटर क्वालिटी जी का सारा डिटेल कहेंगे, केवल कैल्शियम से नहीं, और चीजें भी करें, और कैल्शियम रहता ही है, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसमें भी बहुत कैल्शियम होता है। प्लेन एरिया में ये बहुत एक दिक्कत भी है, जैसे जो जैसे इलाहाबाद साइड में, इधर में हमने देखा कि एल्कलिनिटी एक मेजर प्रॉब्लम होती है, जी कैल्शियम ना,
अगर आप पानी छोड़ देंगे तो उसमें एक जी रिंग बन जाती है व्हाइट कलर की। तो थोड़ा उनसे बोलिए अगर ये अच्छा जानकारी ले लें कितना है, लेकिन अगर ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। कैल्शियम, एसिडिटी बड़ी दिक्कत होती है। एसिडिटी दिक्कत होती है। ठीक। जी तो पीएच वैल्यू सर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पीएच वैल्यू है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, आप तभी डेटा एनालाइज कर पाएंगे जब उन सारी इन्फॉर्मेशन पानी की वो आपको दे सकें। दे सेम देंगे। आदमी हाँ से ये बात करेंगे, सारी हाँ इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपसे बात करेंगे। हाँ और ये जो पीएच है, पीएच थैंक यू। वो 7.5 से 8.5 के बीच में हम बोलते हैं बेस्ट ऑप्टिमम होता है पानी का, पानी का। राइट सर, और राइट सर सॉयल का 6.5 ना तक वो रहे, ऑल राइट। जी करेक्ट सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक जी बहुत अच्छी क्वेश्चन महेंद्र जी की तरफ से आया है, वो पूछ रहे हैं हाँ ट्राउट फिश के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, उन्हें अच्छा, शायद ट्राउट फिश फार्मिंग में इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। बहुत जी अच्छा। देखिए जब हम कोल्ड वाटर की बात करते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्रों में मछली पालन की, तो उसमें एक जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वैरायटी है अभी, उसको हम बोलते हैं रेनबो ट्राउट। इसका एक अंग्रेजी में नाम ऑंकोरिंकस माइकिस है, और ये हमारे बहुत सारे स्टेट में पाली जाती है, राइट जम्मू सर, कश्मीर में बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड में भी थोड़ा एक दो फार्म है, सिक्किम में ये आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में हमारा ये ट्राउट फार्मिंग करते हैं। ट्राउट एक एग्जॉटिक चीज है, इसके लिए एक नंबर एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि जहां बहता हुआ पानी ज्यादा है, फ्लोइंग वाटर। दूसरा ये है कि पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, गर्मी में भी 20 डिग्री से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, दूसरी रिक्वायरमेंट है ये। तीसरी, ये फिश जो है कार्निवोरस फिश है, मांसाहारी, जो कार्प वाली वैरायटी होती है वो शाकाहारी है प्राय ज्यादातर, लेकिन ट्राउट मांसाहारी है। और इसको जो हम भोजन देते हैं उसमें करीब 40 से 45% उसमें प्रोटीन की मात्रा की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें, अगर ये सब चीज आपके पास अवेलेबल है और अगर आप कर सकते हैं अरेंज, तो ट्राउट फार्मिंग कर सकते हैं। ये मछली क्या होती है, एक साल में करीब 200 से 300 ग्राम बढ़ती है, दूसरे साल में 400 से 500 ग्राम, और तीसरे साल में 1 किलो की होती है। लेकिन जो मार्केट में इसकी डिमांड है उसको हम बोलते हैं 300 ग्राम भी अगर हो जाती है तो मार्केट में इसका दाम है 500, 400, 600 रुपये तक भी ये ट्राउट बिकती है। और ये धीरे धीरे, इसमें गवर्नमेंट की भी बहुत स्कीम्स आ रही हैं अभी, कि अगर आपको ट्राउट फार्मिंग करनी है, एक 50 स्क्वायर मीटर का रेसवे बोलते हैं उसको, रेसवे में एक ये चीज है मेन, कि यू शुड हैव सफिशियंट ये फ्लोइंग वाटर अच्छा रहना चाहिए। अगर फ्लोइंग वाटर फ्लोइंग नहीं वाटर, है, जैसे कार्प में आपका पानी थोड़े दिन बंद भी रहता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ट्राउट एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत फ्लो ऑफ वाटर बहुत अच्छा होना चाहिए। वो आपका कितना बड़ा एरिया है उसी हिसाब से ये बताया जा सकता है कि आपको कितना पानी चाहिए होगा। दूसरा, फीड की व्यवस्था करनी है, ये दो चीज, और टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। तो ये ट्राउट है, इसके ये अगर उनके पास है तो स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है ये, इसके बारे में आपने ऑनलाइन सेशन में भी ये ट्राउट फिश, रेनबो ट्राउट के बारे में बात की थी आपने सर। हाँ, थोड़ा ये बताया था। और ये हम जो घूमे हैं, हम जो जगह हिमालय हमने देखा है, हिमाचल प्रदेश में ये काफी, आई थिंक ये वैरायटी अंग्रेजों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी कुछ, शायद ये हाँ तब की बात है हाँ राइट। ये मैं और आपको इसमें एक, जी हाँ मैं बता जी देता जी आप हूँ, इसके ये 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में, एटीन राइट सर, नाइनटी नाइनटी फाइव में ब्रिटिश लोग इसको, सब पहले एक हैचरी थी हरवन, वो जम्मू कश्मीर में, वहां इसको स्पोर्ट्स के लिए लाए थे, स्पोर्ट फिशरीज के लिए। उसके जी बाद इसको, हाँ स्पोर्ट फिशरीज के लिए, उसके बाद इसको हिमाचल के कुछ फार्म है जैसे पतलीकूल और एक दो जगहों में किया इसको, बरोद पतलीकूल, जी जी और यहाँ भीमताल में एक भवाली भीमताल एक जगह है, वहां भी रेनबो ट्राउट को 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन अभी हिमाचल में बहुत अच्छा आया है और बहुत सारे फार्मर इससे बहुत बेनिफिट ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बहुत डोमिनेंट फिशरीज है ट्राउट की, और ये बहुत प्रॉफिटेबल है, आने वाले समय में इसकी डिमांड बहुत है। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, आपको जो इनपुट्स हैं उसकी एक सस्टेनेबल एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप सपोज आपने आज आपके पास हो गया, 10 दिन रुक गया, तो आपकी मछली राइट वो वाली ग्रोथ ठीक नहीं अटेंड करती। यस ठीक कह रहे हैं। और सर इससे जी शायद और भी बहुत चीजें, जैसे हिमाचल में और इवन जम्मू में, जैसे जम्मू कश्मीर में आप कह रहे हैं कि ना ओनली जी इट्स नॉट ओनली अबाउट फिशिंग, खाली फिशिंग नहीं सर, लोग इसको एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बना रहे हैं, तो आपकी और भी एक्सलेंट। इकोनॉमी या बढ़ती है, और हाँ, भी ये इकोनॉमी मैं बढ़ती आप, है।
ये आपने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न किया है। जब आप मनाली को जाते हैं ना, मनाली को, तो मनाली के दो तीन स्ट्रीम है ना, तो वहाँ लोग ये स्पोर्ट्स फिशरीज के लिए भी, पहले मैं बताया ना, जब इसको इंट्रोड्यूस किया था कंट्री में, तब ये फूड फिश के लिए नहीं किया था, स्पोर्ट्स फिशरीज के लिए किया था। तो अंग्रेज लोगों को मछली का पकड़ना, ये और एक महाशीर मछली है इसका, जो बोलते हैं स्पोर्ट्स फिशरीज में बहुत वैल्यू है, तो वहाँ लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे स्ट्रीम में किया। लेकिन हाँ, हमारा इसमें एक ये कहना है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, कि अगर हम कहीं इसको इंट्रोड्यूस करते हैं ना, ये बहुत ही वोरेशियस ईटर है, मांसाहारी मछली है, ठीक। तो वहाँ अगर हमारी इंडिजीनियस स्पेसीज होती हैं, जैसे जिसको बोलते हैं, जैसे महाशीर में तो एक कम रहती है, साइजोथोरैक्स एक मछली है, असेला जिसको बोलते हैं, तो अगर वो वहाँ आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया और आपकी अपनी इंडिजीनियस स्पेस सारी खत्म हो गई। दूसरी, इसको खाना बहुत चाहिए, थोड़ी दिन तो ये करेगी वहाँ, लेकिन बाद में जब इसको वहाँ भी स्ट्रीम में खाना नहीं मिलेगा तो ये वहाँ भी सर्वाइव नहीं करेगी। आपने दो नुकसान कर दिए, एक तो अपनी मछली भी मरी, फिर जो हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक रिटर्न होगा वो भी हुआ या नहीं हुआ, ये भी डाउटफुल हो गया। ये तो भी इसलिए डाउटफुल केयरफुल होके अगर कहीं इंट्रोड्यूस करना है ना स्पोर्ट्स फिशरीज के लिए, हम बोलते हैं इसके बदले महाशीर को करना है, रेनबो अच्छा, ट्राउट के राइट बदले, राइट सर, राइट। तो अपनी एक मतलब ये अपनी जैसे स्पीशीज। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेजिव स्पीशीज है ये, या या इन्वेजिव स्पीशीज। राइट या सर, थैंक यू सर, हमारी भी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी बढ़ रही है आपके कारण। तो सर एक और सवाल है, महेंद्र जी का ही है। जी फ्रेश वाटर रनिंग फ्रेश रनिंग वाटर में कौन कौन सी हाँ, मछलियां पाली जा सकती हैं? रनिंग वाटर में ना, हाँ फ्रेश वाटर रनिंग रनिंग वाटर। वाटर, हाँ रनिंग वाटर में मेनली जो कोल्ड वाटर की अगर हम बात करते हैं, तो ट्राउट एक मछली है। रेनबो ट्राउट में दो तरह की मछली होती है, एक बोलते हैं हम ब्राउन ट्राउट, एक बोलते हैं रेनबो ट्राउट। मैं थोड़ा पहले वाली बात को भी और आपको एक ऐड करना चाहता हूँ, एक और मछली रेनबो ट्राउट जैसी ही होती है, उसको बोलते हैं ब्राउन ट्राउट। ब्राउन ट्राउट। ब्राउन ट्राउट उसको भी अंग्रेज लेके आए थे, वो भी लगभग उसी तरह का एक वैरायटी है। उसमें एक चीज ये था कि उसको भी बहुत सारे स्ट्रीम में किया है इंट्रोड्यूस, कंपेयर टू रेनबो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट तब भी थोड़ा सा सॉफ्ट फिश है। तो उसको अगर कभी ऐसा कहीं ऑप्शन हो, तो ब्राउन ट्राउट को रिलीज करना, क्योंकि वो क्रीक से और स्ट्रीम की ही फिश हम मानते हैं उसको, इसके बराबर वो वॉरिशियस ईटर नहीं है। है तो वो भी एक स्पोर्ट फिशरी के लिए यूज होती है। यहाँ उत्तरकाशी में इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो जो रनिंग वाटर की आप बात कर रहे हैं, रनिंग वाटर में मेनली एक ट्राउट, रेनबो ट्राउट और एक ब्राउन ट्राउट, और हमारी एक इंडिजीनियस स्पेसीज है, उसको हम बोलते हैं असेला, कॉमन नेम असेला है, ऐसे बोलते हैं साइजोथोरेक्स। उसकी दो तीन वेराइटी हैं, साइजोथोरेक्स प्लेजियोस्टोमस, साइजोथोरेक्स रिचार्डसोनी, साइजोथोरेक्स प्रोगेस्टस, और एक दो और ही वहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे वहाँ मिलती हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत कम है कंपेयर टू ट्राउट। तो ट्राउट एक ऐसी मछली है जिसको हम रनिंग वाटर में बहुत अच्छे से पा सकते हैं। सही सर। सर एक ये जैसे फ्रेश वाटर की हम बात कर रहे हैं और रनिंग वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हाँ लिमिटेड टू स्ट्रीम्स हैं, नदियां हैं, कि ये हम मतलब एक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, क्या हम खुद भी एक हाँ आर्टिफिशियल कनाल ये ऐसा बना सकते हैं? हाँ यही है, आर्टिफिशियल ही बनाते हैं। हमारा दो तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना मछली पालने के लिए, एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं टैंक। नॉर्मली हम बोलते हैं अपने फार्मर लोगों को कि अगर आपको फिश फार्मिंग करनी है ये जो कार्प की, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है कि आप अर्दन पॉन्ड बनाइए, मिट्टी वाले तालाब, क्योंकि मिट्टी में, पिछली बार भी मैंने बताया था, मिट्टी में जो होता है पानी का और सॉयल का एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो उसको बहुत न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं मछलियों को। लेकिन पहाड़ में ये पॉसिबल नहीं होता, पहाड़ में सीपेज है, हमारा टेरेन ऐसा है बहुत अपलैंड है, तो उसमें ज्यादातर हमारे पास एक ऑप्शन बचती है, या तो हम उसको सीमेंट का टैंक बनाएं और या पॉली लाइनिंग करें, ठीक है। तो जो सीमेंट के टैंक होते हैं, इसमें डिपेंडिंग ऑन योर वाटर वाटर दिस सोर्स, अगर पानी कम है, बहुत कम आता है, जैसे आपने सपोज एक एक मिनट में 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर पानी है, आपने टैंक भर लिया और उसमें कुछ कार्प वैरायटी की मछली डाल दी, ठीक, और उसमें अगर 5 6 दिन पानी रुकता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ऑक्सीजन ठीक ठाक रहनी चाहिए 4 5 ppm, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो ट्राउट मछली है रेनबो ट्राउट,
वो उसके लिए हम एक वही स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, टैंक का। लेकिन इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि वो उसमें फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन रहे, जी उसको जी उसका नाम है रेसवे। जी रेसवे रेसवे मीन्स फ्रॉम वन एंगल वाटर इज कमिंग फ्रॉम वन एंड एंड देन वाटर गोज आउट। ठीक ठीक, है सर, थैंक तो यू। ट्राउट ट्राउट फार्मिंग के लिए रेसवे की जरूरत होती है। लेकिन जो हमारी कटला, ये रोहू कटला मृगल या ग्रास कार्प सिल्वर कार्प कॉमन कार्प जो हम करते हैं, इनके लिए रनिंग वाटर की जरूरत नहीं रहती है। स्टेग्नेंट वाटर में भी ये होती है। और एक ये भी है कि आपका एल्टीट्यूड कितना है, क्योंकि ट्राउट फुटहिल में नहीं हो सकती। उसको 20 डिग्री, तो यहाँ तो टाइम टेम्परेचर अभी जैसे हमारे यहाँ भीमताल लेक का 24 25 26 जाता है, तो इसमें ट्राउट नहीं रह सकते। ठीक, राइट राइट तो सर, ट्राउट मछली एक मिड हिल में होगी प्लस रनिंग वाटर चाहिए। रनिंग जिसको हम बोलते हैं रेसवे, रेसवे बनाते हैं और उसका 50 स्क्वायर मीटर का, 100 स्क्वायर मीटर का, जैसे आपने 10 मीटर लंबा बना दिया और 3 मीटर चौड़ा बना दिया, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है राइट सर। एक तरफ। तो वही आपने कहा कि ट्राउट फिश में बेसिकली जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी इन्वेस्टमेंट है, काफी कुछ बहुत डेवलप करना इतना पड़ेगा। बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन सपोज जैसे अभी एक एक यूनिट दो दो यूनिट बना सकते हैं। यहाँ बोलते हैं जैसे एक 50 स्क्वायर मीटर के लिए 1 लाख रुपया देते हैं। अच्छा, राइट सर, ठीक, राइट। और उसमें थोड़ा फीड आपका है, फीड का कॉस्ट तो होगा इनपुट का, बाकी अगर आपके पास पानी रिसोर्स अच्छा है यू कैन स्टार्ट, इतना महंगा भी नहीं है। तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये अगेन सर, ये है हमीर जी का क्वेश्चन है। वो जी कहते हैं जी कि हमारे पास पहाड़ों पर छोटे छोटे फिश पॉन्ड बने हुए हैं जिनकी हाँ, लंबाई 11/8 मीटर है। इसमें हम चार कौन अच्छा सा सीड डाल सकते हैं और कौन सी मछलियां इसमें अच्छी ग्रोथ कर सकती हैं? उनको एक चीज यही पूछनी थी। अब ये तो आपको पता नहीं उनका वो रनिंग वाटर का सिस्टम है या स्टेगनेंट वाटर है, लेकिन ये जो सर ये जैसा शॉर्ट इन्होंने दिखाया ये आठ बना बाई हुआ चार का है। साइज है, जी जी तो मुझे रनिंग तो वाटर शायद जितना, हाँ आप बताइए। सर, जो ये कह रहे हैं कि पॉन्ड बने हुए हैं तो शायद रनिंग वाटर नहीं है, ये शायद स्टैग्नेंट वाटर की स्टेगनेंट बात कर वाटर, रहे हैं। जी। जी तो इसमें ना अगर हमारे पहाड़ों में हम बोलते हैं 3 वैरायटी की मछली आप इंट्रोड्यूस करिए, उसमें एक है ग्रास कार्प, दूसरी है सिल्वर कार्प और तीसरी है कॉमन कार्प। अगर राइट हम सर, एक 100 वर्ग मीटर का, ये मैं इनका, ये तो 32 स्क्वायर वर्ग मीटर का है, अगर 100 वर्ग मीटर में मैं बता देता हूँ आपको, 1 स्क्वायर मीटर का बता देता हूँ, 1 स्क्वायर मीटर में हम बोलते हैं 4 to 5 फिंगरलिंग स्टॉक करनी है मछली। और ये ग्रास कार्प सिल्वर कार्प कॉमन कार्प मिलने का समय, कॉमन कार्प जो होती है वो जनवरी फरवरी में मिलती है, ये सॉरी मार्च अप्रैल के बाद ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मार्च अप्रैल में दे कैन गेट। लेकिन ये जो ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प ये मछली है ये अभी मिलती है यही जून जुलाई में जो मॉनसून सीजन है। लेकिन हम अपने सारे जितने किसान भाई हैं उनको एक ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब भी आप तालाब में मछली डालें उसका साइज बड़ा होना चाहिए। जो मछली हम प्राय खाते हैं ना पूरा देश में, भी आंध्रा की मछली पहले आती थी हर पूरा हमारे कंट्री में, उनका जी भी ये एक्सपीरियंस है और रिसर्च भी ये दिखाता है कि जो पहले साल की ग्रोथ होती है मछली की वो कम है, स्लो है, सेकेंड ईयर में मछली बहुत तेज ग्रो करती है। तो हम अपने किसान भाइयों से भी ये बोलते हैं कि पहले साल अगर आप कहीं सीड लाके एक तालाब में रख दीजिए, एक बफर टाइप का तालाब बना लीजिए छोटा नर्सरी, और वो 1 साल की अगर उसको स्टंटेड फिंगरलिंग हम बोलते हैं स्टंटेड, तो वो 10 ग्राम 12 ग्राम की 1 साल में हो जाएगी आपकी। उसको अगर आप एक कल्चर वाले तालाब में डालें मार्च में जब आपकी गर्मी स्टार्ट होती है, और सितंबर अक्टूबर तक आपको एक पीरियड मिल जाता है जब टेम्परेचर 20 22 25 तक भी जाता है पानी का, तो इस समय इनकी जी ग्रोथ हो जाती है। और ये मछलियों से अगर आपका 100 वर्ग मीटर का है तो 40 50 किलो तक आप हार्वेस्ट कर सकते हैं मछली, 40 to 50 kg, और एवरेज ग्रोथ हम बोलते हैं 200 से 300 ग्राम रहता है, 200 300 ग्राम तक पहले साल में बढ़ती है, लेकिन सेकेंड ईयर में ज्यादा बढ़ती है। तो तीन वैरायटी की मछली हो गई, ग्रास कार्प सिल्वर कार्प कॉमन कार्प। कॉमन कार्प को मार्च अप्रैल में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर का अगर आपको बड़ा सीड कहीं मिलता है, एंड फार्मर लोगों को भी ये इंसिस्ट करना चाहिए स्टेट डिपार्टमेंट को कि हमको बड़ा साइज का मछली दीजिए,
क्योंकि अगर बहुत छोटा होता है वो आप 2000 भी डालेंगे तब भी वो 200 नहीं बचता है ना। जी तो ये चीजें अगर हम थोड़ा इम्प्रूव करें तो मछली पालन किया जा सकता है। अब लेकिन अगर आप मार्च में करते हैं स्टॉक, ये जुलाई अगस्त में, तो आपके पास समय नहीं मिला मछली को बढ़ने का, अब तो ठंडी स्टार्ट हो जाएगी 1-2 महीने। जी। सर जैसा मैंने भी सुना है और मतलब ऐसा सुनते हैं जैसे आप कह रहे हैं, कुछ ऐसा एक थंब रूल सा है, मतलब एक रूल बना हुआ है कि जो भी आर जिसमें आता है, जिस महीने में आर आता है, उस महीने में जी मछलियों को फीड कर दे देना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, ऐसा क्या सत्य है सर? इस बारे में कुछ, ये मेरा अपना हाँ पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ नहीं, लेकिन ये देखिए, पहली के मैं बोलता हूँ, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना हमारी, वो बेस्ड ऑन मेनी थिंग्स, वो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कहेंगे जिस महीने में आर आता है ना, अगर आप ये जो ट्राउट का आपको बता रहा था, ये जनवरी में ब्रीड करती है, तो अगर आप एक मछली को पकड़ेंगे, मतलब एक ब्रूडर को पकड़ रहे हैं, आप एक मछली को नहीं मार रहे हैं, उससे 2000 अंडा निकलता है 1 किलो की मछली से, तो आप 2000 मछली को मारते हैं। ठीक, वैसे उसके बाद मार्च का महीना होता है, मैं बोलता है ये जो हमारी कॉमन कार्प, ये मछलियां शुरू हो जाती हैं ब्रीडिंग करना, कॉमन कार्प और ये मछली। उसके बाद अब जब ये जुलाई अगस्त का महीना शुरू होता है, अब ये हमारी ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और महाशीर भी, वही मार्च अप्रैल में जो होती है ना महाशीर, जो हमारे पहाड़ की बहुत कॉमन मछली है, तो वो भी ये इसी महीने में शुरू होती है, क्या ब्रीड करती है। तो बेसिक एम यही है जो आप बोल रहे हैं, कि उसका वो ब्रूडर तालाब, ये रिवर्स में अवेलेबल रहते हैं बहुत सारे स्टेट में, यहाँ उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी, आपने सुना होगा, वहाँ ये एक सीजन प्रोटेक्टेड रहता है बहुत सारे स्ट्रीम का, यही कारण है। सर वो हाँ कह रहे हैं कि हमारे हमें फिश पॉन्ड के पानी को कितने दिनों में बदलना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है आपने कितनी मछली डाली है, आप फीड कितना देते हैं। ठीक है, ये बजाय ये चीज पूछने के, हम उनको बोलते हैं कि आप छोट दो तीन चीजें पैरामीटर रखिए। एक तो पानी की ट्रांसपेरेंसी, वो दिखना चाहिए ना ऊपर से हाथ डाल के, कितना नीचे तक दिखता है। फिर उसमें ऑक्सीजन कितना है, पीएच क्या है। तो प्राय ऐसा देखा गया है, अगर आप 10-12 दिन में, 15 दिन में एक बार थोड़ा तालाब का पानी बदलते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि पूरा पानी कभी नहीं बदलना। दूसरा ऐसा देखा गया है कि 2-3 डिग्री अगर टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन होता है तो मछली स्ट्रेस में आती है, अगर सडनली, तो पता चला आपके तालाब का टेम्परेचर 20 डिग्री है और आपने बाहर का 12-13 डिग्री का पानी मिला दिया थोड़ा, और उतना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो उसमें भी मोर्टेलिटी का चांस होगा। जाड़ों में थोड़ा हम बोलते हैं अवॉइड करिए मछली को हैंडल करना, क्योंकि इसमें फंगस होने का चांस रहता है, फंगल इन्फेक्शन। तो लेकिन ये डिपेंडिंग ऑन, अगर आपका बहुत हरा पानी हो रहा है तालाब में, या जिसको हम बोलते हैं काई होना ज्यादा, और एक और इंडिकेटर है, कभी कभी मछली अगर पानी खराब है तो सुबह के समय में सरफेस में आती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेटर है कि पानी की क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, तो उस समय सावधान हो जाइए। पानी सबसे बेस्ट तरीका है, पानी कुछ पानी निकाल के नया पानी डालना, चूना है तो थोड़ा चूने का एप्लीकेशन करना, एक पोटेशियम परमैंगनेट हम बताते हैं, थोड़ा सा उसका घोल देके स्प्रे कर देना, कभी कभी बहुत मुश्किल है तो उसको पानी को ये डंडों से पीटना, ये सब मेथड हैं इंस्टेंटली जिनको हम कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। और एक और सवाल है इम्पोर्टेंट है, आई थिंक इसके बारे में आपने बात भी की है, कि पानी का पीएच और टीडीएस मान हाँ, कितना होना, कितना टीडीएस ऊपर आपको, नीचे? हाँ टीडीएस हमने बताया ना, 400-300 तक चल जाता है, जी ऐसा कोई बात नहीं है। और ये जो पीएच है 7.5 to 8.5 है, लेकिन कभी राइट कभी ऐसा है ना, कोई चीज में ये बायोलॉजिकल चीजों में थोड़ा वेरिएशन भी होता है। ये जो पीएच पानी का होता है वो बहुत चीजों का एक इंडिकेटर है। सपोज आपका दिन में उसमें काई है, पानी में हरी काई हो गई ना ऊपर से काई, तो उससे क्या होता है, काई होने से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, तो उसमें क्या होता है कि पानी, जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो पानी का पीएच भी बढ़ जाता है। तो ऐसे तालाब जहां काई बहुत है, तो आप देखेंगे कि दिन में कभी कभी 10 भी चला जाता है पीएच। राइट ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं कि 7.5 से 8.5 होना चाहिए। अब जो दिन में अगर उसका 10 जाता है, तो अगर नाइट में क्या होता है, इसीलिए काई निकालना बहुत जरूरी है तालाब का, तो समय समय पर। रात में क्या होता है, मछली भी उसको खाती है, मछली को भी चाहिए ऑक्सीजन, और जो ये ग्रीन एल्गी है, ये भी ऑक्सीजन लेती है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो मछलियों का मरने का चांस होता है। जी राइट सर। सर एक और सवाल है कि बहुत इम्पोर्टेंट है सर, सीड और फीड हम कहाँ से खरीद सकते हैं इसके ये बारे में? देखिए, मैं ये एक चीज ये बता दे रहा हूँ आपको, जो फीड है, फीड का तो आजकल स्टेट डिपार्टमेंट का सभी जगह एक बहुत बड़ी स्कीम चल रही है, वो लेके आते जी हैं, सब्सिडाइज रेट पे देते हैं। तो जो जितने हमारे उत्तराखंड के या जहाँ के भी पहाड़ के जो हमारे फार्मर हैं, वो वहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट का नज़दीक का कोई ब्लॉक ऑफिस हो या विकास भवन हो, वहाँ जाके जानकारी ले लें कि मछली पालक कौन है, अपने मीन्स ये फिशरीज इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, उनसे बात करके उनको दे सकते हैं। सीड भी उनको अभी अवेलेबल होता है, जैसे अभी हमारे इधर भी लोग अभी सीड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ में कभी कभी क्या होता है कि अगर उनको कोई बहुत विशेष जानकारी चाहिए तो हमारे डिपार्टमेंट से भी कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं। कुछ पंत नगर एक इंस्टीट्यूट है हमारा यहाँ, पहाड़ में क्या होता है कि ब्रीडिंग मछली बढ़ती तो है लेकिन ब्रीडिंग कराना थोड़ा दिक्कत का काम होता है, तो अगर कोई फार्मर चाहे अपने लिए तो पंत नगर से भी ला सकते हैं। ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प का बच्चा आसानी से मिलता है। उसके अतिरिक्त कुछ प्राइवेट फिश फार्मर भी हैं, वो भी सप्लाई करते हैं। तो सीड और फीड का थोड़ा हो सकता है कि मिले ना मिले, और अगर बाहर से खाना नहीं मिलता है, हमने पिछली बार भी बताया था कि चोकर खली इसकी बराबर मात्रा मिला के तालाब में देने से मछली बढ़ती है, कार्प मछली। ट्राउट के लिए आपको बाहर का खाना लाना पड़ेगा, ये चीज है। राइट सर, थैंक यू सर। और दो सवाल और होंगे इम्पोर्टेंट सर। एक ये कह रहे हैं कि क्या हम किसानों के पास जैसे ये सब चीज़ें रहती हैं, मूंगफली की खली है, सोयाबीन की हाँ खली है, चावल हाँ की चूरी है, अजोला घास हाँ है, क्या ये सब हाँ हम एज ए फीड खा सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। देखिए, दे जो सकते मछली को हम देते हैं ना फीड, कार्प हैं। मछली की बात बता रहे हैं, हमारे किसान भाई तो समझते होंगे, कार्प मछली वो है जिसके ऊपर स्केल्स होते हैं, ट्राउट को अलग कर दीजिए। तो जो कार्प मछली है उसमें ये चोकर हो गया, मेन हमारा जो पर्पज होता है कि मछली को प्रोटीन मिले, फैट मिले और कार्बोहाइड्रेट मिले खाने में, और उसका जो अदर छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलता रहे। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि चावल की या गेहूं की चोकर वो मिला के उसमें खली, खली किसी चीज की भी हो, सरसों की खली, ग्राउंड नट ऑयल के, सरसों की खली, मूंगफली की खली और सोयाबीन का मील भी, ये सब मिला के बराबर मात्रा में होता है। जैसे कि अगर आपने एक किलो चोकर मिलाया, 1 किलो उसके साथ में मिला दीजिए खली, और उसमें थोड़ा बहुत विटामिन मिनरल मिक्स अगर मिल जाता है, 1% हम बोलते हैं, उसको मिक्स करके बना दीजिए गोले में, तालाब में दे सकते हैं। और एजोला घास की जो बात बोल रहे हैं, एजोला भी ग्रास कार्प अगर मछली है तो खाती है, लेकिन ग्रास कार्प को जब आप तालाब में खिलाते हैं उसको घास भी देते रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपका फीड का, हम बोलते हैं जो खाना देते हैं भैया, वो कम से कम 50 to 60% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर गोस्ट, पूरा खर्च जो होता है 50-60% केवल खाने पर जाता है मछली पालन में। तो इसको भी कम करने की तरफ किसानों को बहुत ध्यान देना है, हमारे जो कर रहे हैं उसमें हम ये कर सकते हैं, अगर ग्रास कार्प एक मछली है जो बहुत तेज बढ़ती है, वो 1 किलो की मछली बताया था पिछली बार भी, 1 किलो घास तक खा जाती है। तो जब आप खाना दे रहे हैं उसको, उसमें और मछली भी है, अगर आप खाना देंगे तो ज्यादा वही खा लेगी। तो करना यह है कि अगर ग्रास कार्प जिस तालाब में है उसमें पहले ये घास डाल दीजिए, उसके बाद उसमें मछली डालिए, ये खली और ये वाला खाना दीजिए, तो उनका पेट थोड़ा भर जाएगा तो और मछली को भी मिलता है और आपकी खाने की खपत भी कम होती है। और जो हम बताए थे आपको देना कितना है, वो देना है मैक्सिमम 3% से 5% तक, और छोटी जी मछली है उसको 10% तक उसके वजन के, 100 ग्राम की एक मछली है तो उसको 4 ग्राम खाना चाहिए एक दिन में, बस 3 से 4 ग्राम। उससे ज्यादा देंगे तो आपका तालाब भी खराब होगा, आपका पैसा भी खर्च होगा और वेस्ट है, जी और आपको दिक्कतें ज्यादा आएंगी बजाय मछली उसके प्रोडक्शन के। ठीक है सर। जी कितना देना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर। ठीक है सर। जी चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं, आप हमीद जी का है सर। हुँ. ये कह रहे हैं कि हमें 12 बाय 8 मीटर के पॉन्ड में एक बार में कितने बच्चे डालने चाहिए? हाँ, 12 बाय 8 बारह बाय ना, आठ
72 ना, जी, 72। ना 84। सर ये हो गया 80 और 8 और 16, 96 हो गया सर ये। हाँ देखिए, हम ये बोलते हैं मोटा मोटी कि एक तालाब में आपको पर मीटर में, एक स्क्वायर मीटर में 4 से 5 बच्चा डालना है, अच्छा, उसी हिसाब से आपको फोर उसमें टू उसका। फाइव ठीक। जी और ये है कि जैसे आप ये थोड़ा सा, जब आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना, तो आप थोड़ा वहां पर अपना लोकल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, अगर आप बहुत छोटा बच्चा डाल रहे हैं तो आपको हो सकता है 10 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से डालना पड़े, क्योंकि उसमें सर्वाइवल रेट थोड़ा कम होगा। अगर बड़ी फीस है तो उसको हम बोलते हैं 4 to 5 इज सफिशियंट। तो अगर आप 100, एक ये करीब करीब 400 समथिंग, 430-40 मछली आपको इसमें डालनी होगी, लगभग 400-450 जी बड़ी साइज की। लेकिन अगर आप छोटा बच्चा आपको दे रहे हैं अभी, तो आप उसमें उसका डबल डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें छोटा बच्चा जो होगा राइट उसमें सर्वाइवल आपको 40-50% मिलती है। सर, राइट राइट जी राइट सर, थैंक यू जी वेरी मच सर। आई थिंक ये बहुत ही एक मतलब इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है, लोगों के डाउट्स भी हमने कोशिश किए हैं और आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है, हमें भी बहुत अच्छी जानकारी मिली है सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही आपसे वार्तालाप करते रहेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू। सो मच सर।